इंक्रीज कर रही है, या यूं कहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज कर रही है। तो सोचिए, एक ऐसा कारण जिसको हम अवॉइड आसानी से कर सकते हैं, पर फिर भी वो हम तीसरे नंबर पे, वो कहीं ना कहीं एक कारण बना हुआ है। और इसमें 8 से 10% जो है, 8 से 10% जो गैसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल हैं इस फूड की वजह से ही। तो आखिर कारण क्या है? जब हमें पता है कि भोजन बर्बाद नहीं करना है, फिर क्या कारण है कि भोजन बर्बाद हो जा रहा है? जब तक हम किसी समस्या को तभी सही से समझ पाएंगे जब हम उनके कारणों तक पहुंचेंगे। तो पहला जो प्रमुख कारण है वो है लैक ऑफ प्लानिंग। आपके पास कोई नियोजन ही नहीं है, चाहे आप घरेलू स्तर पे भोजन की तैयारी करें, या आप कहीं बिजनेस स्तर पे, चाहे आप रेस्टोरेंट हो या फूड सर्विसेज हो, जहां भी आप भूलेंगे ही नहीं, यदि आपने किसी चीज को नियोजित नहीं किया तो आप उसे ज्यादा अमाउंट में बनाएंगे, आप करेंगे। तो पहला जो मुख्य कारण है वो है प्लानिंग की कमी। दूसरा जो मुख्य कारण, मेरा देश प्राचार्य मैम को मेरा सादर प्रणाम। जो भारत देश है, ज्यादा कमी है उन कमी के कारण, जब से हम भोज्य प्रोडक्शन से लेकर के ट्रांसपोर्ट, यानी कि जब वो आपके मार्केट में और यहां तक कि आपकी किचन और डाइनिंग टेबल पे भी उपलब्ध नहीं है जिनसे आप भोज भोजन को खराब होने से बचा सकें। तो दूसरा प्रमुख वो है आपके पास रिसोर्सेज की कमी होना, या यूं कहूं कि आपके पास वो सारी चीजें नहीं है, वो तकनीकी और वित्तीय संसाधन नहीं है जिनसे आप इसको होने से बचा सके। तो जो है, विकारिता के आधार पे, खराब होने के आधार पे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले है पेरिशेबल फूड, जो तुरंत ही लाने के बाद और कुछ ही घंटों में उनमें खराबी या स्पॉइलेज स्टार्ट हो जाता है। दूसरे हैं सेमी पेरिशेबल फूड, जो कुछ समय तक रहते हैं ठीक, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली स्टोर करें तो वो लंबे समय तक आप सही रख सकते हैं। और तीसरे फूड होते हैं जो होते हैं नॉन पेरिशेबल, या जो खराब लंबे समय तक नहीं होते, बशर्ते बस उनको आपको स्टोर प्रॉपरली करना है। तो ये जो फूड की नेचर है उसके अनुसार आपके पास यदि संसाधन नहीं है, उसके अनुसार यदि आपके पास वो रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं है, तो भी वो एक प्रमुख कारण है आपके भोजन को बर्बाद करने का। जैसे हमारे देश में जितना अनाज उगाया जा रहा है, जितने भोज्य पदार्थ उगाए जा रहे हैं, उस हिसाब से हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की आज भी संख्या में कमी है। तो मैं कहूँ तो वो होगा आपका, बहुत अधिक मात्रा में आप भोजन जब तैयार कर लेते हैं, 6 फैमिली मेंबर हैं, 2 फैमिली मेंबर ने किसी कारणवश भोजन नहीं किया, तो वो 4 लोगों का भोजन तो आपने खाया, लेकिन वो 2 लोगों का भोजन यदि आपके पास फ्रिज उपलब्ध नहीं है, या आपके पास अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप उस भोजन को व्यर्थ कर देंगे। तो तीसरी चीज आती है आपकी, कि आपने जो भोजन तैयार किया वो आपने अधिक मात्रा में तैयार किया, और क्योंकि आपके पास संसाधन उपलब्ध नहीं थे तो आपने उसको बर्बाद भी हो जाने दिया। अगली चीज मैं बात करूं तो हमारे पास कहीं ना कहीं एक सिविक सेंस, जो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेंस है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। हम अपने पर्यावरण के प्रति असंवेदनशील होते जा रहे हैं। आज की तारीख में हम जो कुछ हैं अपने पर्यावरण, अपने नेचुरल रिसोर्सेस के कारण ही है, पर कहीं ना कहीं हम ये बात भूलते हैं। इन संगोष्ठियों का, इन सारी कार्यशालाओं का कोई लाभ नहीं है यदि ये आपके अंदर संवेदना जागृत ना कर पाए। तो सबसे पहले आप रिस्पॉन्सिबल हो, पृथ्वी है जिससे हमें सब मिलना है, तभी जाकर के आप और लोगों को अवेयर करेंगे, और शायद हम इस समस्या, जिस वजह से हमारे यहाँ भोज्य पदार्थों की बर्बादी हो रही है, लेकिन अब चलते हैं, इसके बर्बाद हो रहे हैं तो क्या हमारे हाथ में ऐसा कुछ है जिससे हम इन्हें रोक पाए? तो बिल्कुल है, बर्बाद होने से रोक सकते हैं। सबसे पहली बात जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है फूड वेस्ट, और में बर्बाद कर रहे हैं जिस भी कंटेनर या जिस भी डस्टबिन में आप अपने दिन भर का खाना फेंकते हैं, या खाने योग्य पदार्थ नहीं फेंकते हैं, उसके लिए जरूर सबके जो है वो रहती है उपस्थिति। तो आप एक काम करें, या
तो दैनिक भी कर सकते हैं या इसे 3 दिन पे भी कर सकते हैं, और घरेलू स्तर पर भी इसको हम कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप अपने उस डस्टबिन या कंटेनर को रोज रात को सोने से पहले उसके जो भोज्य पदार्थ आपने उसमें फेंके हैं उनको आपको लिस्टिंग करना है, टिक करना है, इतना अमाउंट मैंने फेंका, हम लोगों को अभी से स्टार्ट कर देना है वो है फूड वेस्ट ऑडिट है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ फूड साइंस का है, जीव विज्ञान का है, पर जितना एक जीव विज्ञानी या किसी गृहिणी के लिए है, क्योंकि जब आपके पास एक मील प्लान होगा, जब आपके पास मेन्यू प्लान होगा, या तो वो दैनिक हो सकता है या वो साप्ताहिक हो सकता है, उसके भी सामग्री लगनी है, कौन सी सामग्री लगनी है, क्या भोज्य पदार्थ किस मील में बनना है, ये सारी सूचनाएं आपके पास पहले से, और उस हिसाब से आप अपने घर में उन सामानों को एकत्रित करेंगे। तो दूसरी चीज है यूनिवर्सिटी या किसी भी महाविद्यालय की जो कैंटीन या हॉस्टल मेस होती है उसमें हम देखते हैं शाम को क्या मिलना है, सुबह को क्या मिलना है, दोपहर को क्या मिलना है, और यहां तक कि कई महाविद्यालयों के हॉस्टल्स में ये भी संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। तो दूसरा हमारा मुख्य स्टेप जो हम लोगों को अपना फूड वेस्ट होने की बात पे हम चलते हैं, ये हम घरेलू स्तर पे भी कर सकते हैं, और हमारे जो बिजनेस है वो भी इस कार्य को कर सकते हैं। वो स्टेप है उतना पकाइए जितना आपको खाना है, हम ये तो कहते हैं कि उतना ही कि आप उतना ही पकाइए जितना आपको खाना है, तो वो दूसरे स्टेप से भी ज्यादा बेहतर साबित होगा। तो अगर गृहिणी वो काम कर रही है तो गृहिणी घर में कोई मेड है तो मेड या अन्य जो भी सैलरी का 50% ले जाता है, चाहे आप किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, चाहे आप मध्यम वर्गीय हो, उच्च वर्गीय हो या निम्न वर्गीय, सैलरी है या जो पैसा है वो भोजन में जा रहा है, तो प्लीज इसको बनाने खाने और लाने से पहले इसको एक थॉट जो हम लोग कर सकते हैं सेव फूड वेस्ट होने से, वो है ऑलवेज चेक योर पेंट्री एंड आपका स्टोरेज, अपने घर का जो स्टोरेज है या जो हमारा फ्रिज है उसको हम चेक नहीं करते हैं कि हमारे पास क्या चीजें, कितनी वो चीजें भी उठा लाते हैं जो हमें शायद नहीं चाहिए या ऑलरेडी हमारे यहाँ बल्क हुई भी है हमारे फ्रिज में। ये कर रहा है क्योंकि आपको पता है कि वो डेट एक्सपायर हो जाएगी और आप उस चीज को कंज्यूम ही नहीं करने वाले, और आप अपना पैसा बर्बाद करेंगे। और दूसरी चीज कहीं से बाजार से अधिक मात्रा में लाकर अपने घर में रख लेंगे, तो अगले जिन लोगों को वो चाहिए नहीं है तो उसके प्राइसेस को हाई करना स्टार्ट कर देगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को आर्थिक रूप से बर्बादी है वो तो है ही। तो चौथा जो काम आपको करना है ये एकदम अपने टू डू लिस्ट में डाल लीजिए कि जब भी आपको शॉप ग्रोसरी स्टोर को और अपने रेफ्रिजरेटर को प्रॉपर्ली चेक करके ही निकले। अगला जो स्टेप है समझें, जैसा मैंने अभी बताया विक्रेता के आधार पर भोजन 3 प्रकार का था, एक वो भोजन जो अगर प्रॉपर्ली स्टोर करें तो कुछ समय तक चल सकता है, और आया हुआ है तो वो लंबे समय तक या कहिए वर्ष भर तक हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसके उदाहरण है जो पदार्थ को समझ जाएंगे कि ठीक है ये जाती हैं, और जिसमें भी मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो होता है उसकी चीजें खराब होने की संभावना है ज्यादा लॉस ऑफ मॉइस्चर की वजह से हो, या तो लग रहा है कहीं रगड़ खा रहा है, उससे मॉइस्चर लॉस हो रहा है, तो भी वो चीजें जल्दी खराब। आप उसको समझें कि आप ये क्या लेकर आ रहे हैं
2 तारीख की है, तो मुझे 2 तारीख से पहले उस ब्रेड का कोई काम है भी कि नहीं, तो उसको आपको एक थॉट देना होगा कि ये सामान क्यों लेना है और इसका क्या यूज होने वाला है और भोजन की क्या। स्टेप है वो है फूड बैंक। एक महामारी आई और उसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। इस कोरोना काल में हमने ये सीख लिया कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे पास शायद बहुत ज्यादा हैं और दूसरे के पास हाल ही में कोरोना काल में ये बहुत तेजी से बढ़ी है, इस फूड बैंक की जरूरत और इस फूड बैंक का प्रचलन। इसमें होता क्या है, यदि आपके घर पर या समारोह, कोई पार्टी, शादी, दावत ये आप काम छोटे स्तर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई खाना बच जा रहा है तो प्लीज उसको खराब हो होने से पहले किसी दूसरे को दे दें। कई बार लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये कंज्यूमेबल है, हो सकता है मैं आज नहीं कल खा लूंगा, हो सकता है मैं कल दोपहर में खाने दे बोल दिया दे दिया। खा लूंगा, परसों सुबह खा लूंगा, पर और जबकि किसी मेड या किसी को भी हम ट्रांसफर कर देते हैं। पर प्लीज बी अ ह्यूमन फर्स्ट, हमें सबसे पहले इंसानियत के मानवता दिखाने की आवश्यकता है। जो भोज्य पदार्थ मेरे लिए खराब है वो भोज्य पदार्थ किसी अन्य मानव के लिए भी उतने ही खराब है। तो जो भी आपको डोनेट करना है ससमय और सुरक्षित तरीके से करिए और उसको प्रॉपर स्टोर करिए अगर आप नहीं खा सकते हैं, और तब ये आप किसी को डोनेट कीजिए। और अगला स्टेप एक और है जिससे हम अपने भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं, वो क्या है, वो है रिसाइकल, रीयूज। सॉरी, रीयूज का मतलब है मैंने इस टाइम कुछ बनाया पर मुझे पता है कि इस समय वो भोजन खत्म नहीं हो पा रहा है, तो मुझे उसको प्रॉपरली एट द टाइम की करेक्ट टाइम पे ही स्टोर कर देना है। ये नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक मैंने उस खाने को पहले बाहर रखा और शाम को मैं फ्रिज में रख दूं और 1 घंटे बाद निकाल के उसको अपने डिनर में समाहित कर लूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है दोपहर में आप उस चीज को नहीं खा पा रहे हैं, तुरंत उसको प्रॉपरली स्टोर करिए और उसके बाद उसको रीयूज करिए। हो सकता है ग्रेवी बच रही है तो आप अपने अगले मील की सब्जी में उस ग्रेवी का इस्तेमाल कर लीजिए, या हो सकता है आपकी दाल बच रही है तो आप अपने अगले मील में उसको आटे के साथ दाल को भूनकर उसका पराठा बनाकर यूज कर लीजिए। रीयूज जो है आपकी फूड वेस्टेज को बहुत हद तक कम कर देगा। फिर मैं एक और बात कहना चाहूंगी, अगर आपने उस सामग्री को सही से स्टोर नहीं किया था, अगर आपने उसको सही से उचित समय पर उसको सही जगह नहीं रखा था, तो वो थोड़ी सी बची हुई चीज आपके पूरे जो अगला ताजा मील है उसको खराब कर सकती है। तो अगर आपको छोटे से अमाउंट को एक बड़े अमाउंट में मिला करके यूज कर रीयूज करना ही है, तो प्लीज उसको पहले सुरक्षित ढंग से उसको संरक्षित कर दें या फ्रिज में या डीप फ्रीज कर दें। बहुत लोग ये सोचते हैं कि देखने में चीज सही लग रही है तो वो चीज सही है, पर नहीं, 30 मिनट से लेकर के 45-60 मिनट के भीतर ही भोजन में डेट्यूरेशन स्टार्ट हो जाता है, स्पॉइलेज स्टार्ट हो जाती है, पर वो इतनी विजिबल या इतनी क्लियर क्लियर नहीं होती कि हम उसको आंखों से देख के पहचान पाए। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो एकदम ठीक लग रहा है, ये बिल्कुल खाने योग्य है, पर ऐसा नहीं है, उसमें डेट्यूरेशन स्टार्ट हो जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है जब भी आपको भोजन करना है तभी आप तुरंत ताजा बनाएं और खाएं, तो हल्का हल्का उसमें जो डेट्यूरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपने उसको कौन से टेम्परेचर और कैसे एनवायरमेंट में रखा हुआ है या कैसी आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन है, मौसम गर्मी का है, जाड़े का है या बरसात का है। तो ये वाला जो स्टेप है रीयूज, इसको करने से भी हम बहुत हद तक फूड वेस्टेज को बचा सकते हैं। और लास्ट स्टेप जो हमारा आता है वो आता है रिसाइकल। बहुत सारे भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम रीयूज नहीं कर सकते या शायद वो अब रीयूज करने लायक नहीं है, तो आप उसको रिसाइकल करिए। रिसाइकल का मतलब है, हो सकता है वो भोज्य पदार्थ कोई फल हो या सब्जी हो जिसको आप कंपोस्ट के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी आप खाद बना सकते हैं, या आप उसके बीज निकाल लीजिए, अगली बार उस बीज को बो करके आप नए फसल या नया कोई पेड़ या पौधा उगा सकते हैं, तो ये रिसाइकलिंग चलती रहेगी। तो 3 मेजर स्टेप हैं आपको फूड वेस्टेज बचाने के, तीनों से हैं, RRR है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस मींस आप कम खरीदिए, कम बनाइए, कम परोसिए और जितना परोसिए उतना खाइए। अगर आप ये सब करने में सक्षम नहीं हैं तो सेकंड स्टेप पे आ जाइए जो कि है रीयूज। आपने जो अगर आपको कम बनाने की आदत नहीं है या आपको एक बार में खाने की आदत नहीं है तो आपको उसको रीयूज करना पड़ेगा, तो आप उसको रीयूज कीजिए। और अगर ये बशर्ते किसी कारणवश ये रीयूज की कंडीशन में नहीं है भोजन, तब आप इसको रिसाइकल कर सकते हैं। अगर इन 3 स्टेप्स को हर व्यक्ति लगातार
प्रैक्टिस में ले आए, तो शायद ये जो फूड वेस्टेज इतना बड़ी समस्या बनी हुई है कि हमारा पर्यावरण का जो क्षति है वो इसकी वजह से हो रही है, हमारे यहाँ जो बीमारियां हैं वो इसकी वजह से हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसके अलावा एक चीज और मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करूंगी कि कुछ चीजों पे लिखा रहता है बेस्ट बिफोर और कुछ चीजों पे लिखा रहता है यूज बाय, तो क्या ये दोनों चीजें सेम है? दोनों चीजें सेम नहीं है। देखिए, कुछ जो हमारे नॉन पेरिशेबल चीजें होती हैं उन पर आपने देखा होगा कि लिखा रहता है कि बेस्ट बिफोर। बेस्ट बिफोर का मतलब है कि आप इस तारीख से पहले तो ये बिल्कुल खाने योग्य है ही, और ये जो तारीख इस पे पड़ी हुई है इससे पहले अगर आपने इसको सही से संग्रहित कहीं कर दिया तो आप इस तारीख के बाद भी उस भोज्य पदार्थ को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर यूज बाय लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि इस तारीख तक आपको उस भोज्य पदार्थ को खा ही लेना है। अगर आपको उस तारीख के बाद उसको खाएंगे तो चांसेस है कि वो भोजन खराब हो गया होगा या वो भोजन आपको पॉइजनिंग या फिर टॉक्सिकेशन कर सकता है। तो ये दो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है कि बेस्ट बिफोर और यूज बाय, ये दोनों एक अलग चीजें हैं। तो ये तो बात हुई हमारी जो हम काम कर सकते हैं अपने घरेलू लेवल पे भी और अपने लार्ज स्केल पे भी। इसके अलावा जो एक चीज हम अन्न कहा जाता था, इसको भगवान से जोड़ा जाता था, और इसके पीछे कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ एक देवी माँ का नाम है अन्नपूर्णा माता, अन्न को हमने एकदम पूजनीय बनाया हुआ था। लेकिन इस वाली जो जनरेशन है जिसमें हम लोग हैं, हम लोग कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम इन चीजों को उस ढंग से कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हमारी जो पिछली जनरेशन है, जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो लोग के सामने दूध गिर जाए तो वो उठा के अभी भी माथे से लगा लेते हैं, या पैर के नीचे चावल का दाना आ जाए तो उठा करके उसको साइड कर देते हैं। पर हमारी जो ये वाली रिसेंट जनरेशन है, शायद ये अभी कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिस को नहीं कर रही है। अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को वापस हमें एक बार रिलीव करने की जरूरत है ताकि हम आने वाली जनरेशन को वो चीजें हैंड ओवर कर पाए। इसमें हमारी अगली जनरेशन की गलती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो बीच में हम कड़ी का काम कर रहे हैं, हम चेन हैं अपनी पिछली जनरेशन और अगली जनरेशन के बीच में, और हमारी पिछली जनरेशन अभी उन ट्रेडिशंस को फॉलो कर रही है। कहीं ना कहीं हम ही जो है धूमिल हो रहे हैं या हम ही भूल रहे हैं कि अन्न हमारे लिए कितनी महत्वता रखता था और इसको हम कैसे भगवान जैसा पूजते थे। तो इसको भी कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना है। ये करने से पहले शायद हम अगर ये चीजें अपनी आने वाली नई जनरेशन में इनकलकेट कर दे तो हम इसको फूड वेस्टेज को कुछ हद तक जरूर रोक पाएंगे। तो ये सारी चीजें थी जो बता रही थी कि कैसे फूड वेस्टेज हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहा है। मैंने बताया कि कार्बन इमिशन में तीसरे स्थान पे है भोज्य पदार्थ, जो हमारे पूरे जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है वो बढ़ता जा रहा है लगातार। और अगर यही स्थिति रही तो हम दो दो तरीके से बहुत परेशान हो जाएंगे। पहला तरीका तो ये है कि जिन रिसोर्सेस को लगा करके लगातार हम भोज्य पदार्थों को उगा रहे हैं, वो भोज्य पदार्थ के लिए रिसोर्सेज ही नहीं बचेंगी, और दूसरा जब वो रिसोर्सेज नहीं बचेंगी तो आगे चल के आप कृषि नहीं कर पाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे, और आप शायद आने वाले समय में भोज्य पदार्थ को उगाने में नाकाम होने वाले हैं। बहुत सारी हमने चीजें होते हुए देख ली हैं। हमने ये देख लिया कि कैसे ऑक्सीजन पैसों से मिल रहा था, हमने ये देख लिया है कि पानी कैसे बोतल में मिल रहा है। वो समय दूर नहीं है जब शायद हम भोज्य पदार्थों को भी अनुपलब्धता उसकी हम देखेंगे, और उसके लिए जो रिसोर्सेज हमें चाहिए उसकी अनुपलब्धता भी हम हाल ही में जल्द ही देखने वाले हैं, अगर हमने अपने आप को अभी जागरूक नहीं कर लिया और अभी हम लोग संवेदनशील नहीं हो गए इसके प्रति। तो मेरे हिसाब से, मेरी तरफ से तो इतना ही था, और थैंक यू सर, थैंक यू सभी को। आपने आज बड़ा ही सारगर्भित और ज्ञानवर्धक वक्तव्य दिया, व्याख्यान दिया, और ये बड़ा ही जमीन से जुड़ा हुआ विषय आपने उठाया भी कि कैसे कैसे हम अपने घरों में किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं खाद्य पदार्थों का, और कैसे जो है, और कुछ बड़ी सूचनात्मक आपने बातें बताई जो कि एक्सपायरी डेट से और बेस्ट बिफोर, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अभी तक शायद हम लोग भी नहीं जानते थे। तो आपने बड़े अच्छे ढंग से इसको बताया, और बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय प्राचार्य मैम कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में मैम का स्वागत करता हूँ, आदरणीय प्राचार्य मैम से। अब चूंकि केवल हमारे पास 9 मिनट शेष रह गए हैं इस कार्यक्रम में, और क्योंकि 40 मिनट का एक सेशन होता है, तो बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया मैम। और आपका अर्थ नेटवर्क का इश्यू होगा, हालांकि इस तरह की स्थिति नहीं आई। आपकी पूरी बात को मैंने गंभीरता से बड़े ध्यान पूर्वक सुना पूरे कार्यक्रम के दौरान, और बड़ी अच्छी बात, बड़ी रुचिकर चीजें आपने बताई। मैं अब हैंड ओवर करता हूँ अपनी आदरणीय आचार्य प्रोफेसर सविता भारद्वाज मैम को, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है, उनके अध्यक्ष मैम।
रामनाथ जी, अमित सर मैम से बोल दीजिए वो अपना माइक माइक अनम्यूट कर ले, म्यूट है। हाँ, मैम की आवाज नहीं आ रही, शायद लग रहा माइक म्यूट है क्या। रामनाथ रामनाथ सर, जी, क्या हाँ आप मैम को अनम्यूट कर सकते हैं? रामनाथ सर, कार्यक्रम में जुड़े हुए बच्चे अपना मोबाइल ऑफ कर ले, वो म्यूट कर ले, माइक म्यूट कर ले। म्यूट दिखा रहा है, म्यूट दिखा रहा है, उसको अनम्यूट कराइए। सर वो मैम ही अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगी। रामनाथ जी, जी मैम, रामनाथ जी, अब आवाज आ रही है बिल्कुल आपको? मैम आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें मैम आवाज। जी मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, बहुत ही अच्छा शिखा जी आपने बोला, और मैं पूरे आद्योपान से मैं सुनती रही आपको, और पुराणों से लेकर के, शास्त्रों से लेकर के, आपने जो बच्चों को ये सामने रखा वो बहुत ज्ञानवर्धक है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और अमित जी को विशेष साधुवाद देती हूँ कि इतने सारगर्भित व्याख्यान को तो आयोजन किया। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम, इसकी प्रेरणा आप ही से मिल पाई। गर्मी की छुट्टियां चल रही है, सभी लोग अपने घरों पे हैं, आपकी अनुमति मिल पाई कि हम लोग इसको ऑनलाइन आयोजित कर पाए। तो मैम अब समय बिल्कुल हो गया है, अगर आप अनुमति दें तो कार्यक्रम को हम लोग समाप्त करें। इसकी सूचना और इसकी मीडिया रिपोर्टिंग डॉक्टर संगीता मैम, डॉक्टर निरंजन सर तैयार कर रहे हैं, जो थोड़ी देर में ग्रुप में पड़ जाएगी मैम। मैम अनुमति है कार्यक्रम समाप्त किया जाए। सभी प्रतिभागी जन से निवेदन करता हूं कि आज की भांति कल भी इस कार्यक्रम में जुड़े। कल का विषय जल संरक्षण है, जिस पर डॉक्टर मनीष कुमार जी अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। आज यह कार्यक्रम पूर्ण होता है, और बड़े अच्छा व्याख्यान आज सुनने को मिला डॉक्टर शिखा मैम से, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि बड़े कम समय में उन्होंने इसकी तैयारी की और बड़ा अच्छा डिलीवर किया उन्होंने। तो अब यह कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। डॉक्टर रामनाथ जी और मेरी पूरी टीम जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया, उन सभी का मैं धन्यवाद आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू प्राचार्य मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को धन्यवाद।